एक एक कंपनी खोलता है ना कोई, एक समझो आदमी एक नई स्टार्टअप डाले, एक नई कंपनी खोले, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि वो जो कंपनी खोल रहा है किस चीज की, किस प्रोडक्ट की, क्या मार्केट में, ये ज्ञान पूरा होना जरूरी है कि नहीं है, कैसे करेगा, कहाँ बनाएगा, कैसे पहुंचाएगा, कौन लोग होंगे जो खरीदेंगे, ये ज्ञान में अगर कमी रह गई तो उसके आगे आने वाला जो भी श्रद्धान और आचरण यानी बिजनेस चलाने वाला है वो 100% में कमी रह जाएगी, फेल हो जाएगा, अगर जो उसने डेटा राइट नाउ कलेक्ट किया है वो सही नहीं है। यानी कि आत्मा के बारे में जितना डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जितना अपने आत्मा के स्वरूप को समझा जाएगा, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, ये डेटा कलेक्शन में, इन क्वेश्चनों के आंसरों में अगर रंच मात्र भी गुंजाइश रह गई तो तुम्हारा ज्ञान डिफेक्टेड रहेगा। डिफेक्टेड ज्ञान की श्रद्धा करोगे तो श्रद्धा भी डिफेक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले यदि आप में से कोई भी ये प्रश्न करता है, अगर हम वो भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि सुनने गए थे, हाथ जोड़ के भगवान से पूछते हैं, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, पहली स्टेप बताएं, अभी क्या करूं आप बताएं और मैं करने तैयार हूं, तो वो क्या स्टेप होगी, कि तुमने अपने स्वरूप के बारे में सारे डेटा पॉइंट इकट्ठे कर लिए हैं, क्या तुमने अपनी आत्मा का स्वरूप पूर्ण रूप से समझ लिया है, क्या तुम ये जान पा रहे हो कि जिस आत्मा को मुझे जानना है, जिसमें मुझे ये श्रद्धा करनी है कि यही मैं हूं, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है। हम ये खिचड़ी आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मिले जुले आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं जो पर से, शरीर से, विकारों से सबसे लिप्त है, उस आत्मा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कौन से आत्मा के स्वरूप को समझने की बात हो रही है, कि जिस आत्मा को मैं श्रद्धान करूंगा कि यही मैं हूं, तो उसका ही नाम सम्यक दर्शन होगा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा, बिल्कुल सही। पर वो शुद्ध आत्मा जो शब्द आपने कहा है, यदि उसका अर्थ आपने एकदम परफेक्टली समझ लिया और मान लिया कि यही मैं हूं, तो उसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। शब्दों में तो हमने सुना है, सुनते हैं, कह दिया है, सुना भी देंगे लोगों को, पर बात यहाँ शब्दों की नहीं हो रही है। अभी तो बात यह है कि फर्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना, ख्याल तो करो जरा, ये प्रश्न तो ख्याल करो जो बता रहे हैं। आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं है और फिर हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो व्रत ले लिए, मैंने नियम ले ले, मैं तपस्या कर रहा हूं, कि भैया तुम दूल्हे के बिना की बारात में जाकर किसके लिए नाच रहे हो। नाचते तो बहुत हैं, बहुत नाचते हैं धर्म के नाम पर, दूल्हा कहाँ है, हाँ भगवान आत्मा कहाँ है। दूल्हे से ही बारात की शोभा होती है, नचैयों से नहीं होती है। नाचने वाले हो या ना हो, शादी हो जाती है, मेन कौन है, दूल्हा। ये शुभ परिणाम, ये क्रियाकलाप हो या ना हो, उससे मोक्ष नहीं रुकता है। मोक्ष होता किसका है उसको तो जान पहले मेरे भाई। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, दूल्हे की बात चल रही है, राजा की बात चल रही है। कौन से राजा की बात चल रही है, कि वो राजा, सुनना, ये मैला कुचैला रागी द्वेषी मनुष्य ये नहीं है मेरा राजा, ये कर्मों से बंधा हुआ ये नहीं है मेरा राजा। कैसा आत्मा है राजा, किस आत्मा को राजा कहना चाहिए, कि वो तो तुम्हें अगर पूरा समझना है तो समय सार की टोटल विषय वस्तु यानी टोटल सब्जेक्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना हो, कि आई एग्जैक्टली नो कि आचार्य कुंद कुन आत्मा को समझा रहे हैं वो आत्मा कैसा है।